दोस्तों, हम आपके सामने लाए हैं एक 25 क्वेश्चन का छोटा सा क्विज जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलो चलते हैं फिर क्विज पर। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्वन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, वक्र, मस्तिष्क या कृत? आपको इन्हीं चारों ऑप्शन में बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यकृत। सेकेंड क्वेश्चन, आकाश नीला प्रदर्शित होता है, मतलब आकाश क्यों नीला प्रदर्शित होता है ये बताना है। नीली गैसें ऊपर जाती हैं, वायु में प्रदूषण विद्यमान है, सितारे नीला प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं, वातावरण के वायु कण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। तो आपको इन्हीं में बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, वातावरण के वायु कण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पाश्चर के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, मेंडल के द्वारा, डार्विन ने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डार्विन, विकास का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? रेटिना से, कॉर्निया से, आयरस से, आईबॉल से? तो इसका ऑप्शन होगा सी, आयरस से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकी है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? अनुचुंबकीय होती है ऑक्सीजन। सिरके में किसका वाणिज्यिक नाम है? फॉर्मिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का, साइट्रिक एसिड का? तो 6 का हो जाएगा बी, एसिटिक एसिड। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान 60%, 40%, 5%, 20%? तो इसका हो जाएगा 20%। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो इसका ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा, वेक्टर क्वालिटी है? संवेग, दाब, ऊर्जा, तापमान? तो इसका ऑप्शन होगा ए, संवेग। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दोनों का, किसी का नहीं? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा? तो इसमें पाई जाती है स्थिति ऊर्जा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हार्डवेयर। आलू किसका संशोधित रूप है? जड़ का, पत्ती का, फूल का, तना का? तो आलू एक प्रकार का तना होती है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं उसे थोरेनियम, थोरेनियम के बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। लिंकडन में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? गेम्स, चैट, कनेक्शन, एप्लीकेशन, एक गेम पाए जाते हैं। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन डी। सपीड़ित प्रकृति गैस सीएनजी का मुख्य घटक एथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, एसिटिलीन है?
तो इसका ऑप्शन जाएगा बी मीथेन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी स्थिति ऊर्जा होती है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgO, MgH2, MgOH का होल इज MgOH। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी MgOH का होल इज। चमगादड़ कितने आवृत्ति तक की प्रसरण तरंगों को सुन सकता है? 100 आवृत्त तक, 1 आवृत्त तक, 1000 आवृत्त तक, 1,00,000 आवृत्त तक। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी 1,00,000 आवृत्त तक। सब रूप अंग होते हैं, रचना में समान, कार्य में समान, रचना व कार्य दोनों में समान, कार्य विहीन। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी कार्य में समान। द्विसंज्ञात्मक जिंक आयन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 34, 40, 38, 36। तो इसका जाएगा 40 ऑप्शन बी। एक पिकोग्राम बराबर होती है 10^-6g, 10^-9g, 10^-12g, 10^-15g। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी 10^-12g। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यक्तिकरण, प्रकीर्णन, विवर्तन। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों आपको बताना है एक क्विज आपको कैसा लगा। चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।